हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। बेसिक मॉडलिंग की एक और प्रैक्टिस क्लास में हाजिर हूं। ये भी 3-4 वीडियोस की एक छोटी सी सीरीज होगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल्स बनाने का तरीका। फिर हम उस पे ग्रेफ स्टाइल में टेक्स्ट लिखना सीखेंगे, फिर उस पे मटेरियल अप्लाई करना सीखेंगे और एंड में हम उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं A प्रेस करके तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा और X प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ टाइमलाइन वाली जगह पर मैं एक रेफरेंस इमेज अपलोड कर लूंगा। यहाँ से आके हम इमेज एडिटर में जाएंगे। आपको ये प्रोसीजर करना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए अपलोड करूंगा ताकि आपको साथ साथ पता चल सके कि हम इस वक्त पेंसिल का कौन सा पार्ट मॉडल कर रहे हैं, राइट। यहाँ से ओपन करेंगे और डेस्कटॉप पर मैंने पेंसिल बना के रखी हुई है, ये वाली ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम पेंसिल बनाना शुरू करेंगे उसके इस सिलेंड्रिकल पार्ट से, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये ऊपर वाला इसका पार्ट बनाएंगे, ठीक है, ये वाला। तो आइए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए आपने ऐड में जाना है, मैश में जाना है और यहाँ से एक सर्कल ऐड करना है, राइट। याद रखें, आपने सिलेंडर यूज़ नहीं करना, आपने सर्कल ही यूज़ करना है। सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ एक सर्कल आ जाएगा। उसके बाद बॉटम पर इसकी प्रॉपर्टीज पैनल खोल के आप यहाँ से वर्टिसेस की तादाद को 6 कर देंगे। तो ये कुछ इस शक्ल का हो जाएगा जैसे कि अमूमन हमारी पेंसिल होती है। उसके बाद हम चले जाएंगे अपने एडिट मोड में। आप टैब प्रेस करके भी एडिट मोड में जा सकते हैं या आप यहाँ ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक करके यहाँ से एडिट मोड भी ले सकते हैं, राइट। यहाँ से आपका वर्टेक्स मोड सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है और एक दफ़ा सब डिवाइड कर देना है। सब डिवाइड करने से आपके हर दो वर्टिसेस के बीच में एक न्यू वर्टेक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने आना है यहाँ सेलेक्ट के ऊपर और सेलेक्ट के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ से चेकर डी सेलेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। चेकर डी सेलेक्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका एक वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएगा और एक डी सेलेक्ट हो जाएगा और ये इसी तरह सीरीज में चलता रहेगा, ठीक है। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं और सीख चुके हैं। इसके बाद मैं अपने सिलेक्टेड वर्टिसेस को जेड एक्सिस में ग्रैब करूंगा, जिसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे फ्रंट व्यू में, जिसमें काम करना हमारे लिए कदरे इजी होगा। तो मैं नम पैड से 1 प्रेस करूंगा और हम आ जाएंगे अपने फ्रंट व्यू में। बाय द वे, अगर आप ऐसा लैपटॉप यूज कर रहे हैं जिसके अंदर नम पैड नहीं है तो उसको यूज करने का तरीका भी मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में सिखाया है जो कि आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। आप टिल्डा की प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और टिल्डा की प्रेस करने के बाद भी आपको यहाँ पर वो तमाम चीजें मिल जाएंगी जो आप अपने नम पैड से यूज करते हैं, ठीक है। जो कमांड्स आप अपने नम पैड से यूज करते हैं वो आप इस टिल्डा की से भी यूज कर सकते हैं। मोर डिटेल के लिए आप मेरी वो शॉर्ट वीडियो को जाके देख लें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आप ब्लेंडर को विदाउट नम पैड कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको अब हम जेड एक्सिस में ग्रैब करेंगे 1 मीटर, जिसके लिए मैं जी प्रेस करके छोड़ूंगा, जेड प्रेस करके छोड़ूंगा और माउस को ऐसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, ठीक है। इसको ऊपर ड्रैग करते वक्त मुझे पता कैसे चलेगा कि हम 1 मीटर ड्रैग कर रहे हैं या ग्रैब कर रहे हैं? तो उसका तरीका बहुत ही आसान है। एक तो आपने इसको ग्रैब करते वक्त कीबोर्ड से कंट्रोल की होल्ड कर लेनी है। उसके बाद अगर आप अपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखेंगे तो आपको एक डायमेंशन मिलेगी या डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। जब आप इसको ऊपर की तरफ ग्रैब करेंगे अपने वर्टिसेस को तो आपको यहाँ पे इसका डिस्टेंस मिलेगा जो कि आपने 1 मीटर रखना है। उसके बाद लेफ्ट क्लिक करके कंट्रोल की छोड़ देनी है। तो अब आपके पास यहाँ पर 1 मीटर की इसकी हाइट आ गई है। अब हमने क्या करना है कि अपने इन एजिस को स्मूथ करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पेंसिल देखें तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो पार्ट है इसका, ये बहुत ही स्मूथ कर्व बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास जो है वो शार्प आ रहा है, उसको स्मूथ करना बहुत ईजी है।
तो हम क्या करेंगे, अपने इन वर्टिसेस के ऊपर बेवल अप्लाई कर देंगे, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट या एज पर बेवल अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल बी यूज करते हैं, और वर्टिसेस के ऊपर बेवल अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करते हैं। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और बता दूं कि आपके जो ये वर्टिसेस हैं ये सिलेक्ट होने चाहिए। अगर आपसे कहीं पे एक्सीडेंटली क्लिक हो जाता है और इसकी सिलेक्शन हट जाती है तो घबराने की बात नहीं, आप नम पैड से 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएं। यहाँ से आपने एक्सरे मोड लाजमी लेना है और वर्टेक्स मोड आपका सिलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ से इस तरह ड्रैग करके इनको आप दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करना है और माउस को ऐसे बाहर की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है। बाहर की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो इस पर आप देखेंगे बेवल अप्लाई हो रहा है, और अब आप इसमें सेगमेंट्स ऐड करेंगे अपने माउस का व्हील स्क्रॉल करके। माउस व्हील स्क्रॉल करें इस तरह, तो इसके अंदर वर्टिसेस ऐड हो रहे हैं। आप चाहें तो इसको इतना भी रख सकते हैं, आप चाहें तो माउस व्हील को मजीद 2 दफा स्क्रॉल करके इसमें मजीद सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, अगर मैंने इतना रखना है मैं इतना रख लूंगा, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपना यहाँ से एज सिलेक्शन मोड लेना है, ठीक है। ए प्रेस करें ताकि आपके ये तमाम एजेस सेलेक्ट हो जाएं। नम पैड से 1 प्रेस करके दोबारा आ जाएंगे अपने फ्रंट व्यू में, और इस दफा हम इसको एक्सट्रूड करेंगे जेड एक्सिस में 2 मीटर, जिसके लिए मैं ई प्रेस करके छोड़ूंगा, जेड प्रेस करके छोड़ूंगा और अपने माउस को ट्रैक करूंगा, और साथ ही मैं कंट्रोल की होल्ड कर लूंगा और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मुझे पता चलेगा कि मैंने 2 मीटर इसको एक्सट्रूड कर दिया, राइट। जैसे ही 2 मीटर होगा आपने लेफ्ट क्लिक करना है और कंट्रोल की को छोड़ देना है। अब हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ गई। अब ऊपर से तो ये शेप ठीक है, ठीक है, ये हमारी पेंसिल की तरह हो गई है, लेकिन नीचे से हमें इसे फ्लैट करना पड़ेगा। नीचे से हम इस तरह इसको फ्लैट करेंगे जैसे आपको ये वाली शेप नजर आ रही है, और ऊपर से ये इस तरह की हो गई है। तो इसको फ्लैट करना बहुत ही इजी है, हमें जस्ट इसका स्केल जेड एक्सिस में 0 करना है, जिसके लिए हम यहाँ से अपना एज सिलेक्शन मोड लेंगे, ठीक है। आल्ट की होल्ड करके रखनी है आपने और इसके इस एज पे क्लिक करना है ताकि ये सिलेक्ट हो जाए, राइट, जस्ट लाइक दिस। अगर आपसे इस तरह सेलेक्ट नहीं हो रहा तो आप 1 प्रेस करके आ जाएं फ्रंट व्यू में, यहाँ से एक्सरे मोड लें और यहाँ से एज सिलेक्शन मोड होना चाहिए आपका, और माउस ऐसे ड्रैग करके भी आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। जैसे आपको आसानी हो आप उस तरह से कर सकते हैं। अब इसका स्केल जेड एक्सिस में 0 करने के लिए मैं पहले एस प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर जेड प्रेस करके छोड़ूंगा और नम पैड से 0 प्रेस करके इंटर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास नम पैड नहीं है तो आप जो फंक्शनल कीज होती है लैपटॉप में ऊपर, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप उसके नीचे 0 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आपके लैपटॉप में नम पैड नहीं है तो आप एक एक्सटर्नल कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ती मिल जाती है, 1200-1200 रुपए की वायरलेस कीबोर्ड मिल जाती है, आप वो भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारी पेंसिल हो गई है कुछ इस तरह की। मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा टैब प्रेस करके, हमारे पास इस तरह की ये शेप आ चुकी है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसकी फेस ओरिएंटेशन चेक करेंगे। फेस ओरिएंटेशन क्या होती है, नॉर्मल्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज कर सकते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं और इनका मकसद क्या है, ये सब मैंने अपनी एक क्लास में बहुत डिटेल में सिखाया है, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो लास्ट देखें, ठीक है। तो यहां से हम आएंगे इसकी फेस ओरिएंटेशन चेक करेंगे, जो कि फ्लिप हो चुकी है और गड़बड़ है, राइट। तो इसको ठीक करना बहुत ही इजी है, हम टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाएंगे, यहाँ से अपना फेस सिलेक्शन मोड लेंगे, ए प्रेस करेंगे ताकि तमाम फेसेस इसके सिलेक्ट हो जाएं। उसके बाद हम कीबोर्ड से शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, शिफ्ट एन प्रेस करने के बाद ये फ्लिप हो जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट मोड में। अब ये ठीक है, फेस ओरिएंटेशन दोबारा से हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा पार्ट पेंसिल का बन गया, राइट। अब हम इसका ये वाला हिस्सा बनाएंगे, वुड वाला और ये लेड वाला, ठीक है। ये बनाना भी बहुत ही इजी है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और टैप प्रेस करके जाएंगे एडिट मोड में, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अपना वर्क सेव कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव पे जाएंगे और डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक न्यू फोल्डर बना लूँगा और यहाँ पर लिख लूँगा मैं
पेंसिल प्रैक्टिस क्लास। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना पेंसिल। सॉफ्ट कॉपी हमारी सेव हो चुकी है। अब हम आ जाएंगे इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में, और यहाँ से हम लेंगे अपना एच सिलेक्शन मोड, और अपना ये जो टॉप वाला हमारा एच है इसका आल्ट की होल्ड करके रखें और इसका एच सेलेक्ट कर लें, राइट। अदरवाइज आप यहाँ से एक्सरे मोड में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। नम पैड से वन प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, और इस एच को इस टाइम हम एक्सट्रूड करेंगे जेड एक्सिस में 3 मीटर, ठीक है। ई प्रेस करके छोड़ेंगे, जेड प्रेस करके छोड़ेंगे, कंट्रोल की होल्ड कर लेंगे और माउस ग्रैब करके इसको 3 मीटर एक्सट्रूड कर देंगे। लेफ्ट क्लिक करेंगे, कंट्रोल की छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका स्केल भी जेड एक्सिस में 0 कर देंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए। एस प्रेस करके छोड़ेंगे, जेड प्रेस करके छोड़ेंगे और नम पैड से 0 प्रेस करके इंटर कर देंगे, राइट। तो अब हमारा ये जो है फ्लैट हो गया। अब हम इसको करेंगे राउंड शेप में, ठीक है, क्योंकि हमारी जो पेंसिल का लेड है और टॉप वाला पार्ट है वो राउंड शेप में। इसको करना भी बहुत इजी है, जस्ट राइट क्लिक करें, लूप टूल्स में आ जाएं और यहाँ से क्लिक करें सर्कल के ऊपर, ये हो गया राउंड, ठीक है। लूप टूल्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं और इनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये किस किस काम आते हैं, इसके ऊपर भी मेरी एक बहुत डिटेल क्लास पड़ी जिसमें मैंने तमाम चीजें आपको सिखाई हुई हैं लूप टूल्स के बारे में, और उस क्लास का लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी लाजमी देखें ताकि आपको लूप टूल्स के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाए। उसके बाद हम इस सर्कल को स्केल करेंगे, जिसको इजिली करने के लिए हम नम पैड से 7 प्रेस करेंगे ताकि हम चले जाए अपने टॉप व्यू में। उसके बाद हम एस प्रेस करके छोड़ेंगे और माउस को ड्रैग करके ऐसे इसको स्केल डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसको स्केल डाउन करने के बाद आप इसकी यहाँ रीसाइज की प्रॉपर्टीज में आ जाएं और यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट करके 0.1 टाइप करके इंटर प्रेस कर दें, यानी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस की वैल्यू 0.100 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको बंद कर दें। उसके बाद हमारी पेंसिल कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब हम जाएंगे वन प्रेस करके अपने फ्रंट व्यू में, और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर कुछ लूप कट्स। लूप कट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी ज्योमेट्री के लिए, हमारे मटेरियल के लिए और शेडिंग के लिए, ठीक है। तो इसकी शेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ लूप कट्स ऐड करने पड़ेंगे। लूप कट ऐड करने के लिए कंट्रोल आर प्रेस करेंगे इस तरह, और लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का, हमारे पास ये लूप कट आ गया। उसके बाद इसको कहीं पे भी रख के लेफ्ट क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और यहाँ से जो इसका ये आपको फैक्टर नज़र आ रहा है इसको आप कर दें 0.300, ठीक है, इंटर प्रेस कर दें। 0.300 का आपने फैक्टर यहाँ पे फर्स्ट लूप कट के लिए रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और लूप टूल्स में आके अगेन इसको सर्कल कर देना है। उसके बाद इसको बेशक बंद कर दें। उसके बाद हमने 2 लूप कट्स यहाँ पर मज़ीद ऐड करने हैं, तो पहले मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और जहाँ पे भी ये बाय डिफ़ॉल्ट लूप कट आ रहा है वहीं पर लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, लूप टूल्स में आऊँगा अगेन और यहाँ से इस रिलैक्स वाले पर क्लिक करूँगा। रिलैक्स वाले पर क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है और यहाँ से आपने 1 की जगह 10 कर देना है। 10 करेंगे तो आपका लूप कट मज़ीद स्मूथ हो जाएगा, राइट। इसको बंद कर दें। सेम प्रॉपर्टी का एक और लूप कट ऐड करना है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर लूप टूल्स में आएंगे और यहाँ से रिलैक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब एक लूप कट हमने यहाँ पर भी ऐड करना है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, कर्सर आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करें, लेफ्ट क्लिक करें माउस का और लूप कट को ड्रैग करके तकरीबन इतना नीचे ले जाएं। अब एक लूप कट आपने यहाँ नीचे से ऐड करना ऊपर की तरफ, ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस किया, लूप कट आ गया, लेफ्ट क्लिक किया, माउस ड्रैग करें, इसको उठा के ऊपर ले जाएं, थोड़ा सा जूम इन कर लें और फिर इस लूप कट को दोबारा स्लाइड करने के लिए आपने जी प्रेस करके छोड़ना है,
जेड प्रेस करके छोड़ना है, फिर माउस ड्रैग करेंगे तो ये आपका लूप कट दोबारा से स्लाइड होने लग जाएगा। तो फिर आप इसको इजीली यहाँ पे तकरीबन इतना रख के लेफ़्ट क्लिक कर दें, ठीक है। अगर ये फिर भी यहाँ पे परफेक्ट ना लग रहा हो तो बाद में आप इसको अगेन स्लाइड कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, राइट। अब हमने यहाँ ऊपर वाले पार्ट के लिए चार लूप कट्स मज़ीद ऐड करने हैं, तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, माउस व्हील ड्रैग करेंगे ताकि इसके अंदर चार लूप कट्स ऐड हो जाएं, और जहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट ये लूप कट्स आएंगे वहीं पर लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमारे चार लूप कट्स ऐड हो गए ऊपर। अब हमने क्या करना है, इस टॉप वाले को फिल करना है जो कि खाली है। यहाँ से एच सेलेक्शन मोड आपका ऑन होना चाहिए, आल्ट की होल्ड करके रखें और ये टॉप वाला जो एज है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, या इस पर क्लिक कर दें। इसको फिल करने के लिए कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपने लेना है अपना फेस सिलेक्शन मोड, इसका फेस सेलेक्ट कर लें टॉप वाला। इसको बेवल अप्लाई करना है, कंट्रोल बी प्रेस करके छोड़ें, माउस को पीछे की तरफ ड्रैग करें तकरीबन इतना, लेफ्ट क्लिक कर दें। उसके बाद इसका ये वाला फेस सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से पूक फेसेस पे क्लिक कर दें। पूक फेसेस पे क्लिक करने से इसके अंदर कुछ इस तरह ग्रिड फिल हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप इस पे जो भी मटेरियल अप्लाई करेंगे वो स्मूथ होगा और इसकी शेडिंग भी काफ़ी स्मूथ होगी। तो अब हम आ जाएंगे वापस टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में, और अब हमारी पेंसिल हो गई है कुछ इस तरह की, क्रेयोन टाइप की लग रही है अभी। इस तरह की पेंसिल बन गई तो आप समझे कि आपकी पेंसिल ठीक बनी है। अब इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से शेड स्मूथ कर दें, ठीक है। उसके बाद आप इस पर ऑटो स्मूथ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये क्विक फेवरेट मोड में कमांड ऐड की हुई है क्योंकि मैं 3.0 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बिगनर्स को सिखाने के लिए, और फर्स्ट क्लास से क्योंकि मैं यही यूज़ कर रहा हूँ वर्जन, तो मैं अभी तक यही यूज़ कर रहा हूँ जब तक हमारी बेसिक मॉडलिंग चल रही है। आप भी अगर 3.0 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ऑटो स्मूथ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आएँ और फिर नॉर्मल्स में आएँ और यहाँ से ऑटो स्मूथ पर क्लिक कर दें। अदरवाइज़ अगर आप ब्लेंडर का 3.0 से ऊपर का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप यहीं पर जब राइट क्लिक करेंगे तो शेड स्मूथ के साथ आपको शेड ऑटो स्मूथ का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी बन गई है पेंसिल। अब इसके ऊपर एक काम और कर सकते हैं आप, इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए यहाँ मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें, इस एड मॉडिफायर पर क्लिक करें और इस छोटे से एरो पे कर्सर लेके जाएंगे नीचे तो आपके मज़ीद लिस्ट में जो मॉडिफायर्स हैं वो लोड हो जाएंगे या स्क्रॉल डाउन हो जाएंगे। तो आप यहाँ से आप सब डिविजन सरफेस पे क्लिक कर दें, ठीक है। इसको अप्लाई करने का एक शॉर्टकट भी है, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कर दें या Ctrl+2, जिस भी क्वांटिटी का आपने इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं Ctrl+1 अप्लाई करता हूँ तो आप देखें कि वो सेम मॉडिफायर यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी आकर सब डिविजन सरफेस अप्लाई कर सकते हैं और इसके लेवल यहाँ से कर दें 2, राइट। तो अब आप देखें कि आपकी पेंसिल कितनी स्मूथ हो गई है, ठीक है। तो हमारी पेंसिल का जो बेसिक पार्ट है वो रेडी है, और इस वाले पार्ट को, इस वीडियो के इस सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाला इतना पार्ट बनाना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और चाहें तो मेरे फेसबुक के ग्रुप में भी सवाल लिख के डाल सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा जो भी आपको चीज़ क्लियर ना हुई हो, ठीक है। तो इस पार्ट को यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।